ये कह रहे हैं कि इनका बच्चा है 18 साल का और उसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई है। वो कहते हैं कि टाइप 1 जो डायबिटीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, लाइफस्टाइल की वजह से तो नहीं है। तो क्या मेडिकल डाइट प्लान फॉलो करने से इसमें भी फायदा होगा? हमें अभी अभी पता चला बच्चे की एज 18 साल है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसको टाइप 1 डायबिटीज जो डायग्नोसिस हुई है वो कब हुई है। 18 साल की एज है, वो 4 साल की एज में डायग्नोसिस हुई है या 15 साल की एज में डायग्नोसिस हुई है? नहीं, अभी हुई है, अभी हुई है। चाइल्ड गॉट टाइप 1 डायबिटीज एट 18 ऑल ऑफ अस। आप कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र में ऑल ऑफ सडन टाइप 1 डायबिटीज हो गई। अगर उसका डायग्नोसिस टाइप 1 है तो वो 18 साल की एज में आया है। कोई भी ऐसा रोग जो जन्म के साथ नहीं आया है, बाद में आया है, तो जीवन के जिस प्राण शक्ति के द्वारा 18 साल निकल गए, अगर उस प्राण शक्ति को बचा लिया जाता या अब भी बचा लिया जाए तो टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकती है। अब इसकी साइंस को समझें। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझिए कि मैंने कैसे बोल दिया कि ये टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो सकती है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि 18 साल की उम्र में आपको मालूम पड़ा है कि टाइप 1 डायबिटीज है और 18 साल बढ़िया तरीके से निकल गए। तो अगर कोई बोलता कि टाइप 1 डायबिटीज है और बच्चे की उम्र 2 साल है तो कुछ हालत अलग होती, कुछ चांसेस और कम होते। अगर 18 साल का है, ऐसी बात नहीं है कि 2 साल वाला ठीक नहीं हो सकता, लेकिन 18 साल वाला तो निश्चित रूप से हो सकता है। हर चीज की परसेंटेज होती है, इसके ठीक होने की परसेंटेज बहुत हायर है। सभी लोग ठीक हो जाते हैं ऐसा नहीं है, सभी रोग ठीक हो जाते हैं ऐसा नहीं है, सभी रोगों का एक ही इलाज है मगर सभी रोगियों का इलाज अलग अलग है। मैंने क्या बोला? सभी रोगों का एक ही इलाज है लेकिन सभी रोगियों का इलाज अलग अलग है। क्योंकि व्यक्ति कैसे हमारी बात को सुनेगा, कैसे समझेगा, कैसे अपनाएगा और उसके पास कितनी प्राण शक्ति बची है जिसके द्वारा वो ठीक करेगा, ये तो अलग अलग है। आइए हम समझते हैं 18 साल की उम्र में डायग्नोसिस होने के बाद टाइप 1 डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है। देखिए, तो हम प्राण शक्ति जो सब्जेक्ट है अगर उसको ध्यान से समझ लें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आइए प्राण शक्ति के सब्जेक्ट को समझें और इसके साथ इसको लिंक करते हैं कि ये कैसे रोग ठीक होगा। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म के साथ हमें एक प्राण शक्ति का कोटा मिलता है, एक भंडार मिलता है। आपको एक बैटरी मिली है, जैसे मोबाइल फोन के साथ मिलती है, जैसे गाड़ी के साथ मिलती है, जो बिल्कुल नई है। जन्म के साथ हमें एक बैटरी मिली है इस शरीर को चलाने के लिए, जो बिल्कुल नई है। अब उस बैटरी को रोज चार्ज करना पड़ता है। जब हम रात को सो जाते हैं हमारी वो बैटरी चार्ज हो जाती है। तो हम गाड़ी तो सोती नहीं, गाड़ी के अंदर वो चार्ज होने वाला सिस्टम नहीं है। जिंदा शरीर को ही चार्ज किया जा सकता है, मुर्दा शरीर को चार्ज नहीं किया जा सकता। जब हम शरीर को चार्ज करते हैं रात को सोने के द्वारा, सुबह उसमें से थोड़ी सी शक्ति हमें मिलती है एक दिन के लिए। रात को हम सो जाते हैं, फिर दोबारा चार्ज होती है शक्ति, फिर अगले दिन के लिए फिर हमें एक शक्ति मिलती है थोड़ी सी, उसको हम दिन भर यूज करते हैं, जिसको हम जीवनी शक्ति बोलते हैं। तो सुबह जितनी मिलती है, सुबह तो हम तरोताजा होते हैं, दिन भर वो यूज होती जाती है, रात तक हम थक जाते हैं और बैटरी द्वारा चार्ज होती है। जैसे जैसे ये बैटरी पुरानी होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारे शरीर की आयु बढ़ती चली जाती है, तैसे तैसे उसके काम होने की शक्ति कम होती चली जाती है। अब छोटी उम्र में काम धंधा करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, लिखने पढ़ने की शक्ति, खेलों में भाग लेने, कंपटीशन में भाग लेने की शक्ति, खाने को हाजम करने की शक्ति, रोग को ठीक करने की शक्ति अधिक होती है और बड़ी उम्र में कम हो जाती है। बच्चे की हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती है,
बड़ी उम्र में हड्डी टूटे तो जुड़ने में समय अधिक लगता है। अब जो बच्चा है जब वो पैदा हुआ तो उसके पास प्राण शक्ति का भंडार अच्छा था और 18 वर्ष तक जो डायबिटीज टाइप 1 बीमारी उसके ऊपर अटैक करना चाहती थी, हमारे शरीर के अंदर सभी बीमारियों के कीटाणु सभी मौजूद हैं जो कि हमारे ऊपर हमला कर सकती हैं और हमें बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर टीबी के जर्म्स भी हैं, हमारे अंदर कैंसर के भी हैं, हमारे अंदर सभी बीमारियों के कीटाणु हैं, मगर जब तक हमारे जो फेवरेबल कीटाणु हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं तब तक हमें बीमारी दिखाई नहीं देती, बीमारी डायग्नोसिस नहीं होती और हमारे ऊपर हमें वो बीमारी लगती नहीं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अब क्या है कि 18 साल की उम्र तक शरीर के अंदर इतनी प्राण शक्ति थी कि वो उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस होने नहीं दी और शरीर को बचा के रखा और पैनक्रियाज काम करती रही, इंसुलिन निकालती रही, किसी किस्म की कोई समस्या नहीं आई। 18 साल की उम्र तक उस प्राण शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करते करते वो जो गलत तरह का भोजन है, जो गलत आदतें हैं, उसको संभालने में लग गई और वो शक्ति कम पड़ गई, प्राण शक्ति वो कम पड़ गई जो शरीर को बचा के रखी थी टाइप 1 डायबिटीज थे और टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस हो। जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर हो और जब बैटरी नहीं होती है इन्वर्टर की तो जैसे ही हम ट्यूब पंखे ट्यूब और टीवी फ्रिज को ऑन करते हैं चारों चीजें सही चल जाती हैं। जैसे जैसे वो बैटरी पुरानी होती चली जाती है एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमें टीवी को बंद करना पड़ता है क्योंकि बैटरी कम हो गई। फिर और कुछ महीने निकलते हैं हमें फ्रिज को बंद करना पड़ता है, और महीने निकलते हैं हमें पंखों को बंद करना पड़ता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है एक बल्ब ही चल पाता है, जैसे ही हम पंखा ऑन करते हैं पूरा अंधेरा हो जाता है क्योंकि जितनी प्राण शक्ति उसके अंदर जितनी बैटरी के अंदर पावर बची है उतनी पूरी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही जो हमारी गलत आदतों की वजह से हमने प्राण शक्ति को उधर लगा के खर्च कर लिया और टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोसिस। अब हम देखेंगे कि उस बच्चे की डाइट प्लान क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, कहां कहां से हम उसकी प्राण शक्ति को बचा सकते हैं। हम उसको सनबाथ देंगे, हम उसको प्राणायाम कराएंगे, हम उसके पेट के ऊपर पट्टी लगाएंगे, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो उसको NLS का नॉन वायलेंट एनीमा देंगे, अगर वो जंक फूड खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को काफी शक्ति लगानी पड़ती है, अगर वो ब्रिस्ट भोजन ले रहा है जिसको पचाने के लिए शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, उस तरीके के सारे भोजन को बंद कर देंगे और उसको NLS डाइट, पेठे का रस, नारियल पानी, कच्चे सलाद, फ्रेश फ्रूट्स, NLS वेजिटेबल, NLS सैलेड, NLS चपाती, ये सब देंगे। जब हम ये सब करना शुरू करेंगे शरीर की वो शक्ति जो बेकार की चीजों में खर्च हो रही थी, जैसे आपके घर के अंदर इन्वर्टर है, आप चार तरह की चीजें चलाना चाहते हैं, आप वो वाले कमरे जिनके अंदर कोई बैठा ही नहीं है वहां का AC बंद कर देंगे, वहां के पंखे ट्यूबे बंद कर देंगे, जहां आप बैठे हो वहां वाले कमरे के चल जाएंगे। ठीक ऐसे ही जब हम इस प्राण शक्ति को जहां जहां गलत प्रयोग कर रहे हैं वहां से रोक देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आप देखेंगे कि उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप कहोगे कि आज ये पक्का इलाज है, क्या आप दोबारा तो नहीं होगी। देखिए एलोपैथी और NLS
में ज्यादा अंतर नहीं। एलोपैथी में अगर आप इंसुलिन लगवाते रहेंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, आपको लगेगा कि शरीर ठीक चल रहा है, सब ठीक ठाक है। उसमें आपको इंसुलिन रोज लगवानी पड़ेगी, और हम एनएलएस में आपको एनएलएस के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, एनएलएस की डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप दवाई छोड़ दोगे तो बीमारी वापस आ जाएगी, अगर आप एनएलएस के फूड को छोड़ दोगे तो बीमारी वापस आ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही काम खराब है, हम लोग साधु सन्यासी तो है नहीं, बच्चे की उम्र ही 18 साल है, उसने बर्थडे पार्टीज में भी जाना है, उसने ब्याह शादियों में भी जाना है, उसने अपनी लाइफ जीनी है, ये एनएलएस का खाना तो साधु संतों वाला खाना है, 18 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? देखिए बहुत आसान है। अगर कोई व्यक्ति वो 18 साल का हो, वो उम्र छोटी हो ज्यादा हो, अगर कोई व्यक्ति हैंड टू माउथ है तो वो पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता, पैसे को फालतू खर्च नहीं कर सकता। वो बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए, 18 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 50 साल हो, वो फिल्म देखने नहीं जा सकता, मूवी नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम इतनी है ही नहीं, वो तो जितने कमाता है उतने खा लेता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी एज कुछ भी हो, अगर उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, वो कमाता रोज 10,000 रुपए है और खर्चा उसका 1,000 रुपए का है, अगर वो कभी मूवी देखेगा, अगर वो कभी कोई गलत खर्चा जो नहीं करना चाहिए कर देगा, तो भी उसका गुजारा चलेगा, तो भी उसका जीवन चलेगा। लेकिन फजूल खर्च करने से उसको नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नुकसान तो होगा लेकिन जीवन चलेगा, जीवन अफेक्ट नहीं होगा। ठीक ऐसे ही उस 18 साल के बच्चे की जब तक जो हेल्थ का बैंक बैलेंस है वो हैंड टू माउथ है, अभी तो हैंड टू माउथ रहेगा 2-4-6 महीने, जब तक वो हैंड टू माउथ है तब तक वो स्ट्रिक्टली एनएलएस को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली एनएलएस को फॉलो करते करते आप अपने क्वेश्चनों के आंसर लीजिए इसके अंदर, प्लीज उस बच्चे के पीछे ना जाइए। स्ट्रिक्टली एनएलएस को फॉलो करते करते जब आपका हेल्थ का बैलेंस अच्छा हो जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट में काफी हेल्थ जमा हो जाएगी, फिर उसके बाद आप कभी शादी ब्याह में जाएंगे, कभी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, कभी जो हम कहते हैं नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेंगे, तो कोई आफत नहीं आने वाली आपकी। फिर डायबिटीज उसी टाइम, ऐसा नहीं है कि उसी दिन डायबिटीज टाइप 1 वापस आ जाएगी, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को ऐसा दिखेंगे कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जैसे लोग बर्थडे पार्टीज में जाके कुछ ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं, आप भी उसी तरीके का एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते चले जाएंगे, आपको हमारे फूड के साथ, आपके हमारे साइंस के साथ, आपको इस आनंद के साथ इतना ज्यादा लव हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेम हो जाएगा कि आप वो सब चीजों की मात्रा उतनी खा नहीं पाएंगे जितनी के आप अब खा लेते हैं, क्योंकि अभी उधर का स्वाद लगा हुआ है जीभ को, इधर का स्वाद चखा ही नहीं। तो इस तरीके से आप बाहर की दुनिया के साथ भी रह सकते हैं, आप एनएलएस के साथ भी रह सकते हैं, और आप एक सोशल लाइफ भी जी सकते हैं। अब ये सब कितने दिन तक फिर मैं डाइवर्ट होके अपने जीवन को जी सकता हूं? जितना आपने बैंक अकाउंट में बैलेंस सेहत का इकट्ठा किया है, अगर आपने सेहत का बैलेंस इकट्ठा कर लिया 6 महीने का, तो 6 महीने बाद आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। अगर 1 साल का इकट्ठा कर लिया तो 1 साल बाद आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। तो करें क्या? आपने ये करना है, जैसे हमारे पास पैसा कितना ही हो, आप में से कोई ऐसा है जो और पैसा नहीं कमाना चाहता? अगर मैं ये कहूं कि आपके पास तो इतना पैसा है, आप सारी उम्र बड़े आराम से बैठ के खा सकते हैं, आपके बच्चे भी खा सकते हैं, फिर और पैसा कमाने के क्यों लगे हुए हैं? ये आपकी आदत बन गई है, ये हमारी आदत बन गई है कि पैसा कितना भी हो और चाहिए और चाहिए और इकट्ठा करना है और इकट्ठा करना है। ठीक ऐसे ही हम ऐसी आदत बनाएं, इसको फैशन बनाएं कि बीमारी हो या ना हो,
बीमारी वापस आए या ना आए, मुझे और हेल्थ चाहिए, मुझे और हेल्थ चाहिए, और इस हेल्थ का बैलेंस बढ़ता रहना चाहिए। अगर आप इस आदत के साथ जिएंगे, जैसे कि हम कितना ही पैसा गलत खर्च कर लें, हमें फिर भी खाने पीने की समस्या नहीं आती, पहनने की समस्या नहीं आती, खाने पीने का राशन हमारे रसोई में कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारी आदत है और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। अगर आप सेहत की भी आदत बना लेंगे और सेहत चाहिए और सेहत चाहिए, तो आप अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गलत कर लेंगे तो आपको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।